गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को 37 किलोमीटर लंबे मर्जेंटा लाइन कॉरिडोर पर रवाना किया था, जिसके साथ ही दिल्ली मेट्रो ने ड्राइवरलेस मेट्रो रेल नेटवर्क लिस्ट में एंट्री की थी, जो कि अभी दुनिया के एंटायर नेटवर्क का अप्रॉक्स 7% है और जिसके बारे में मैंने आपको अपडेट्स में बताया था। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ मैंने आपको कौन से अपडेट में इसके बारे में बताया था। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जल्द ही पिंक लाइन के मजलिस पार्क से शिव विहार सेक्शन पे भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने का प्लान कर रहा है। तो दोस्तों, अब ये रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि मिड 2021 में पिंक लाइन के 59 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में ड्राइवरलेस मेट्रो सर्विस स्टार्ट कर दी जाएगी। पर इस सेक्शन में ड्राइवरलेस मेट्रो को ऑपरेशनल करने के लिए रिक्वायर्ड सिग्नल सिस्टम का काम फुल स्विंग में चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने 13 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और इनॉग्रेशन किया, जिनकी टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 84 करोड़ रुपीज है। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 13 में से 6 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, सीड स्टोर का कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन प्रोजेक्ट्स और रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट शामिल है और इन सभी प्रोजेक्ट्स की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 32 करोड़ रुपीज है। और दोस्तों, बाकी 7 प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास किया गया, उसमें कुछ छोटे रोड प्रोजेक्ट्स, ITI के लिए वर्कशॉप कंस्ट्रक्शन, एडवोकेट चैम्बर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट डेवलपमेंट एंड ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोस्तों, इन सभी प्रोजेक्ट्स को अप्रॉक्स 52 करोड़ रुपीज में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, जिन्होंने पुणे मेट्रो के PCMC मेट्रो स्टेशन से फुग्गेवाड़ी स्टेशन तक 6 किलोमीटर लंबे सेक्शन के सेकंड ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 10 जनवरी 2020 को PCMC से संत तुकाराम स्टेशन के बीच 1 किलोमीटर लंबे सेक्शन का फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट किया था। दोस्तों, सेकंड ट्रायल की बात करें तो इसमें मेट्रो के 3 कोचेस को यूज किया गया और ट्रायल्स को रेलवे ट्रैक से रिलेटेड सभी सेफ्टी नॉर्म को फुलफिल करते हुए सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। दोस्तों, पुणे मेट्रो और पुणे के रहने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है और लॉकडाउन के कारण कंस्ट्रक्शन स्लो होने के बावजूद महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सफलता हासिल की। इससे उम्मीद कर सकते हैं कि पुणे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन ऑन शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा और जल्द ही इस कंप्लीटेड सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां नौसढ़ से पंडलेगंज के बीच बनने वाले 5.4 किलोमीटर लंबे 6-लेन रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 75 करोड़ रुपीज सैंक्शन कर दिए हैं। दोस्तों, इस 6-लेन लंबी रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए PWD ने लास्ट ईयर मार्च में DPR रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली थी और उसके बाद टेंडर्स भी फ्लोट कर दिए थे, लेकिन पेंडेमिक के कारण कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन अब इस रोड को 2022 तक कंप्लीट करने के लिए PWD ने दोबारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, 6-लेन रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें हर लेन को 3.5 मीटर वाइड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और इसके साथ साथ रोड के दोनों साइड ड्रेन्स, फुटपाथ और यूटिलिटी ड्रेन भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और साथ ही साथ 5 चौराहों को ब्यूटीफाई भी किया जाएगा। और दोस्तों, इस रोड को 2022 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। दोस्तों, इस रोड के बन जाने से सिटी के कम्यूटर को फायदा होगा और सिटी में जैम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आ रही है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बनने वाले रेल लाइन को लेकर। तो दोस्तों, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बन रही 125 किलोमीटर रेल लाइन के पैकेज 4 के टनलिंग वर्क के लिए L&T लोएस्ट बिडर है और उम्मीद है कि जल्द ही L&T को कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल रूट की बात करें तो इस रेल रूट की लंबाई 125 किलोमीटर है और इसमें 12 स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। और दोस्तों, अगर पैकेज 4 के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसमें ब्रॉडगेज लाइन के लिए टनल बोरिंग मशीन और न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड को यूज करके चेनेज 47.360 से 63.118 के बीच टनलिंग और शाफ्ट कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और देवप्रयाग स्टेशन में 240 मीटर का एम्बैंकमेंट और जनासू स्टेशन में 300 मीटर के एम्बैंकमेंट को भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें एक माइनर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। दोस्तों, इस रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने के साथ साथ उत्तराखंड के टूरिज्म को भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है।